नमस्कार, मैसेल्फ प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, नचिकेता कॉलेज, जबलपुर। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो मैंने टॉपिक दिया हुआ है वो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। ये बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट से टॉपिक लिया गया है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लेंस का प्रयोग कॉम्बिनेशन में किया जाता है। कॉम्बिनेशन में जब लेंस का प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, पर ये कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। कई बार दो थिन लेंसेज का यूज़ किया जाता है, तो कभी थिक लेंसेज का यूज़ किया जाता है, कभी उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस रखी जाती है, कभी कभी उनके बीच में डिस्टेंस नहीं ली जाती है। आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ है उसमें हमारे पास दो कॉन्टेक्स लेंस हमने लिए हुए हैं जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि यदि दो लेंस हमारे पास है, मान लेते हैं L1 और L2, दो लेंस हमने लिए हुए, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं। अगर इनकी हम रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ देखें तो मान लेते हैं कि L1 की फोकल लेंथ स्मॉल F1, L2 की फोकल लेंथ स्मॉल F2 ली हुई है, तब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नई फोकल लेंथ बनेगी वो कितनी होगी। कैपिटल F अगर हम उसको माने तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिड्यूस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम देखते हैं इस फिगर से कुछ पैरामीटर्स आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। उसमें हमने माना हुआ है कि O1 इज इक्वल टू, यदि हम U मान लें, O1 I1 इज इक्वल टू V' मान लें और O2 I इज इक्वल टू V मान लें, तो एक कॉमन फॉर्मूला जिसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम उस लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी लेंस के लिए जो कॉमन लेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है 1/V - 1/U = 1/F। यदि इस फॉर्मूले को हम इन कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई करना चाहें, तो फर्स्ट लेंस के लिए यदि हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हम देखेंगे इसका नया रूप होगा 1/V - 1/U = 1/F1। हम देखते हैं कि फर्स्ट लेंस के लिए जो पैरामीटर्स चेंज होंगे वो V = आपका V' हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेंस की इमेज जो है सेकेंड लेंस के एब्सेंस में I1 पर होगी। अतः लेंस से लेके उस इमेज तक की डिस्टेंस V', यहां पर V को रिप्लेस करते हुए साथ ही फोकल लेंथ, चूंकि हमने फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ F1 ली हुई है तो F को हम F1 से रिप्लेस करते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसी फॉर्मूले को सेकेंड लेंस के साथ में अप्लाई करें, अभी हमने पहले लेंस के लिए देखा कि हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ L1 यहां पर उपस्थित है, सेकेंड लेंस नहीं है, सेकेंड लेंस ना होने पर